व्हाट एन अमेजिंग व्यू। ताल का रास्ता था भवाली से नैनीताल का, वो ब्लॉक देखिए कितना प्यारा नजारा। एक्चुअली जाम इतना ज्यादा है कि लोग वापस आ रहे हैं। अब जरा कुछ एक दो इम्पोर्टेंट बातें। रास्ता मिल चुका है और बाकी सबको रोक रहे थे और मिल गई हमें एंट्री। यहाँ पे रिस्की है ये चीज बहुत रिस्की। हेलो भाई साहब। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू दैट नेक्स्ट एपिसोड ऑफ वेंडरिंग सिबलिंग्स। और हम आज हैं भोपाली में, जो नैनीताल के बिल्कुल पास में लगता है। यहाँ पे हमारा होटल था और आज हम आपको घुमाएंगे नैनीताल के आउटस्कर्ट्स। वो व्यू पॉइंट जो टैक्सी ड्राइवर्स आपको काफ़ी हैवी चार्जेस दे दे के घुमाते थे, आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आप वो खुद घूम सकते हैं अगर आपके पास अपना खुद का कन्वेंस है, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कुछ भी। ठीक है, और ये रही वेंडरिंग सिबलिंग्स की दूसरी मेम्बर गाइज। गाइज ये गाइज वाले नहीं, इंस्टाग्राम ट्विटर वाले गाइज। हेलो, आप सब बढ़िया? लास्ट वाला ब्लॉग कैसा लगा था जरूर देखना। नैनीताल का नाइट व्यू बहुत ही अमेजिंग था और मेरे को नहीं ले रहे। नैनीताल का नाइट व्यू बहुत अमेजिंग था और अभी जरा एक कॉल आ रही है, कॉल अटेंड करके आपसे बात करता हूँ। सो कॉल अटेंड कर ली, चेकआउट की कॉल थी, कंफर्म कर रहे थे कि चेकआउट करेंगे नहीं करेंगे। और ये देखिए मैं ना फुटेज खाना चाह रही हूँ। कुछ बोलोगी, ये सेल्फी का वीडियो नहीं है, यूट्यूब का वीडियो है भाई, इन्हें बोल के एंटरटेन करना पड़ता है। आपसे बात करेंगे तभी तो आप हमारी बात सुनेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे गाड़ी में और शुरू करते हैं आज की जर्नी। ठीक है, ओके। सो निकल गए अब हम होटल से, अब हम अच्छे अच्छे व्यूज आपके लिए ढूंढेंगे। आप ड्राइव करेंगे, ड्राइवर हैं, फर्ज निभाएंगे ड्राइव करने का। चलो फिलहाल अभी होटल से निकले हैं हम लोग, अभी चेकआउट किया है और अब थोड़ा बहुत पहले खाने का देखते हैं, फिर शायद घूमें या पहले घूम लेते हैं। एक दो व्यू पॉइंट अभी रास्ते में पड़ेंगे वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद मॉल रोड तो देख ली थी, बस रात को देख ली थी वैसे तो मॉल रोड, बट इतना भी नहीं है, फिर भी दिन में व्यूज दिखा देंगे। नैनीताल का रास्ता था भवाली से नैनीताल का, वो ब्लॉक है क्योंकि ऊपर लैंडस्लाइड हो चुकी है, तो अब दूसरे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे वहाँ पे सारा इधर से जाने वाला रास्ता सारा ब्लॉक कर रखा है, उधर से आ रहे हैं लोग जो भी आ रहे हैं, तो इधर से तो बंद कर रखा है। हम नीचे से जाएंगे फिर ऊपर को आएंगे, ऐसे भी नीचे से जाएंगे तो ऊपर को आएंगे। और ड्राइवर साहब हमारे अनुष्का बोलती बढ़िया है ना, वैसे कमेंट करके बताना यार, नीचे से जाएंगे तो ऊपर को आएंगे। हम अच्छा बोलती हो ना, मुझे पता है। वैली बहुत ही सुंदर लग रही है, यहाँ पे थोड़ी धूप भी आ गई है एकदम। देखिए बहुत ही अच्छे नज़ारे, बहुत ज़्यादा सुंदर। उम्मीद करते हैं आपको ये शॉट्स अच्छे लग रहे होंगे सारे। कितने प्यारे व्यूज है। यहाँ पे जगह जगह पे तो लैंडस्लाइड हो रही है, ये देखो ये मतलब है वो ऊपर से आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे बारिशों में पहाड़ों पे घूमना थोड़ा रिस्की है, बट फिर भी घूमना तो पड़ेगा। हम जहाँ बोलते हैं रोकने को वहाँ तो ये रोकते नहीं है, और ऐसी जगह पे रोकते हैं जहाँ हम फोटो भी नहीं ले सकते, और फोटो के चक्कर में हम पीछे क्या रोक दो, रोकते ही नहीं है। हाँ देख लो, लो गाड़ी रोक दो, पहाड़ों पे नहीं रोकी जा सकती, प्रॉपर जगह देखनी पड़ती है। आप सड़क पे कहाँ गाड़ी रोक दोगे, दूसरे को निकलने के लिए जगह भी तो चाहिए। आप उसके ब्लॉकेज में लगा दोगे गाड़ी, नहीं तो आपको जगह भी नहीं होता है, कुछ व्यू भी होता है। ऐसी जगह गाड़ी रोकी जाती है। कहीं रुके हैं अभी,
इन द मिडल ऑफ नो वेयर अनुष्का ने कम से कम मेरे ख्याल से 1 मिलियन रील्स तो बनाई ली होंगी अपने लिए, 2 मिलियन फोटोज ले लिए होंगे। 2 मिलियन ये देखिए व्यूज बहुत अच्छे हैं। थोड़ा कमेंट और लाइक भी कर दीजिए इन व्यूज के लिए। हमारी शक्लें तो खैर खराब हैं पर व्यूज तो अच्छे हैं। मैंने बताया रील बनाई है इनकी इतनी अच्छी अच्छी 2 रील और इन्होंने मेरी एक भी रील नहीं बनाई अच्छी। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे होटल से निकल के, सोचा था कि थोड़ा मैगी वैगी खाएंगे खाली पेट है सुबह से। ये वाले पेड़ देखो अब रास्ता लंबा हो गया है क्योंकि उस वाले रूट पे लैंडस्लाइड है और अब थोड़ा रास्ता लंबा हो गया है तो मेरे ख्याल से 12 बजे के करीब पहुँचेंगे। इस समय टाइम हो रहा है 11:40, 12 से ऊपर हो जाएगा नैनीताल पहुँचते पहुँचते। अब हम मैगी खाने जा रहे हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि हम मैगी कहाँ बैठ के खा रहे हैं। दिखाती हूँ यहाँ पे हम लोग मैगी खा रहे हैं बैठ के, देखो ये देखो और नीचे देखो नीचे का व्यू। भाई साहब बहुत रिस्की है, जाना नहीं आगे। हाँ मुझे पता है मैं जाके ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी। खाइए और बताइए कैसी लगी आपको मैगी। यार सीट तो इतनी ऊंची है, कुछ खा लेते। यहाँ पे मैगी खाने रुके थे, मैगी बहुत टेस्टी है तो हमने सोचा एक मैगी और बनवाएंगे, अच्छी मैगी बनाते हैं यहाँ पे। ये भैया हैं, यहाँ पे शॉप है इनकी, ये अच्छी बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं तो रुकिएगा जरूर। ये कहाँ पे पड़ता है भैया? पायलट बाबा आश्रम के पास में। अच्छा वो आश्रम उधर ना। मैगी ये चल रही है मैगी के शॉट्स और ये रही हमारी मैगी। अब हम इसे खाएंगे, खाते हुए देखोगे मैगी, टाइम लैप्स में दिखाते हैं। पर इससे पहले ध्यान रखना 2 मैगी हम पहले से ही खा चुके हैं, ये तो तीसरी है। भैया की टेस्टी बहुत बनाई थी भैया ने मैगी। अरे भैया ब्लॉग बनाने दो, आर्मी वाले भैया जय हिंद। कुछ एक दो इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। हम सब घूमने आते हैं, अपने अपने जगहों से आते हैं, हम दिल्ली से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, पहाड़ों पे आते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? ब्यूटी देखने आते हैं, नेचर को एंजॉय करने आते हैं। पर एक्चुअली में देखते क्या हैं कि हम ही लोग इन जगहों को ख़राब करते हैं। अगर मैं इधर देखूँ तो कूड़े के ढेर, उधर देखूँ तो उधर कुछ ग्लासेस पड़े हुए हैं, प्लास्टिक की बोतल्स पड़ी हुई हैं। तो हम खुद ही इस जगह को ख़राब कर रहे हैं और खुद ही यहाँ की सुंदरता, इस यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करने आते हैं। सो अपने साथ कचरा ना फैलाएं, अपनी जो एक डस्टबिन अपने साथ रखें जिसमें आपके जितने भी वेस्ट मटेरियल हो वो अपने साथ रखें, जहाँ भी डस्टबिन मिले उसे डिस्पोज ऑफ वहीं पर करें। सो ये जो ब्यूटीफुल प्लेस है ना, ये हमेशा ब्यूटीफुल रहे। तो इसके लिए आपको और हमको मिलके इस प्लेस को ब्यूटीफुल रखना पड़ेगा, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि हम कहीं फ़ोटो खिंचाने के लिए जगह ढूंढ रहे होंगे और हर जगह कचरा ही कचरा दिख रहा होगा। तो ध्यान रखना इस बात का। हम लोगों को मैगी इतनी अच्छी लगी कि यहाँ पे आधा घंटा रुके हैं और 3 मैगी खा गए इतनी देर में। पर मैगी सच में बहुत टेस्टी थी। अब आप, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ थोड़ी सी, नेक्स्ट शॉट में आएगी लोकेशन। हल्द्वानी से जब आप टुवर्ड्स भोवाली आएंगे तो वहाँ पे पायलट बाबा का आश्रम पड़ेगा। ये देखिए ये आश्रम है और ये रहा हमारा मैगी का स्टॉल। बहुत अच्छी भैया मैगी बनाती है। नाम नहीं है स्टॉल का इसलिए कुछ मैं बता नहीं पा रहा हूँ, पर अच्छी मैगी है, आइएगा जरूर। बहुत ही अच्छे व्यूज़ यहाँ पे। चलिए गाड़ी में बैठते हैं फिर और अनुष्का को ब्लॉग देते हैं ये वाला। तो मेरे पास कैमरा आ गया, अब जरा बाल बाल ठीक कर लें थोड़े अपने। हाँ तो बताते हैं, तो हमने 3 मैगी खाई है यहाँ पे। लगाइए सबसे पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप भी जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट लगाएं। गर्मी भी बहुत है। चलो मिलते हैं रोडों पे, नहीं रोड्स पे, रोडों पे कहीं नहीं मिलते कहीं यार। ये ब्लॉगर अल्टीमेटर रोडों पे मिलते हैं, रोडों पे यार। चलो ठीक है, अब थोड़ी देर में मिलते हैं, बहुत फुटेज। ये है पायलट बाबा का आश्रम, देखो ये लीजिए। ओ ये है पायलट बाबा का आश्रम, बाहर से दर्शन कर लीजिए। उन्होंने मुझे ऐसा इतनी सी जगह में कौन निकलता है, देखना जरा
निकल रही हूँ अभी भी। फिलहाल हमारा कोई मूड नहीं था, बट फिर भी हम सोच रहे हैं कि चले जाए। दिखाते हैं फिर आपको, देखते हैं पायलट बाबा आश्रम। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, बाबा जी बुला रहे। मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा। ये है शायद पायलट बाबा, ये है। ये दे तो तंकी, तंकी। अरे ऐसा भी होता है, ओह टेक्नोलॉजी। ये आश्रम है बाबा जी का, ये मंदिर है, ये देखो ये है आश्रम। पता नहीं अंदर क्या है, हमें भी नहीं पता। हर हर महादेव। काफी बड़ा मंदिर है और बहुत सुंदर भी है। माता रानी के दर्शन हो गए हैं और अब सीधे आपसे मिलेंगे नैनीताल। बीच में अब कहीं के ब्रेक नहीं लेंगे, नॉन स्टॉप नैनीताल। वाओ व्हाट अमेजिंग व्यू। देखिए कितना प्यारा नजारा है सामने से। ये देखिए जो रोड नदी का जो पाथ आ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। जब यहाँ पे नदी आती होगी या फिर कोई पानी आता होगा, कितना खूबसूरत लगता होगा यहाँ से। और ये देखिए ये आयरन का ब्रिज है, मिलिट्री स्टाइल में बना हुआ, बिल्कुल स्पीति और आपको लद्दाख की याद दिलाता है। और ये देखिए इधर का व्यू बहुत खूबसूरत। अभी थोड़ा सा आपको और दिखाएंगे। गाड़ी से जा रहे थे और पर इतना प्यारा व्यू है यहाँ का कि हमें रुकना पड़ा इधर आके। ये देखिए ये पूरी रोड थी जहाँ से हम आ रहे थे और हम इस साइड में आके कुछ निकल जाएंगे। और ये व्यू बहुत प्यारा है, माउंटेन का लुक देखिए। ऐसा लगता है ऊपर से ये कोई बरसाती नदी है जिसने अपना रास्ता बना रखा है यहाँ पे। और इस साइड में जाके देखते हैं, खतरनाक है। दिस बहुत ही प्यारा व्यू है। ये वैली इतनी ब्यूटीफुल है कि हम जितना बोलें उतना कम है यहाँ के लिए। एक्चुअली में एक अपडेट और था कि नैनीताल का जो ओरिजिनल व्यू था, रूट था, वो भी ब्लॉक कर दिया है पुलिस ने। कहने के ऊपर बहुत जाम है, अब एक अल्टरनेटिव जगह से नैनीताल जा रहे हैं। अब देखते हैं कि पहुँच पाते हैं या नहीं। अपना प्लान है जाने का, अब देखिए आगे डेस्टिनी है कि हमें आज नैनीताल जाना होता है या नहीं होता। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर होटल का रिजर्वेशन मांग रही हैं कि अगर आपका होटल रिजर्व है तभी आपको ऊपर आने देंगे। हमारा होटल तो ऑलरेडी बुक था, हम तो आज एक्स्ट्रा में रुके हुए थे कि आज हमें घर जाना था तो होटल है नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, देखते हैं ऊपर अगर थोड़ा सा क्लियर है। लोग वापस आ रहे हैं एक्चुअली जाम इतना ज़्यादा है कि लोग वापस आ रहे हैं, और जो लोकल साइड का है दिल्ली साइड का क्राउड है वो वापस जा रहा है। जो थोड़ी दूर का है, जो दूर से नैनीताल घूमने हैं जैसे राजस्थान या फिर साउथ से, वो लोग रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें उनके होटल भी रिजर्व है तो वो जाम में वहाँ पे रुके हुए हैं। बाकी लोग वापस आ रहे हैं, देखते हैं यार क्या करना। थोड़े डिसअपॉइंटेड हूं, पता नहीं क्या घूमेंगे और क्या नहीं घूमेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले वीडियो में आपको बताया भी था यहाँ घुमाऊंगा वहाँ घुमाऊंगा, पता नहीं। लोग आ रहे हैं यहाँ पे रुक के बोल रहे हैं ऊपर तो जाम लग रहा है, आप लोग बन जाओ। फिर भी हम सोच रहे हैं कि एक बार रिस्क ले लेते हैं, क्या पता हमें जाने दे आगे। वो तो हम कर देंगे, रिस्क आपके लिए लिया जाएगा जरूर, वरना अगर ब्लॉक का चक्कर नहीं होता तो शायद हम चले जाते, क्योंकि हमारा तो सब घुमा हुआ है, हम तो आपको। पर ये व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। यहाँ का व्यू तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, हवा भी बहुत तेज चल रही है और बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। पता नहीं हमें जाने देंगे या नहीं देंगे। ये यहाँ पे कैमरा फोटो खींची जा रही है, फोटो कैमरा रोलिंग एक्शन। ये पूरी फैमिली रेड कलर की देख रहे हो, मैचिंग आजकल पूरी फैमिली रेड हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं बालों को देख के, हवा बहुत तेज चल रही है। मन तो कर रहा है यहीं पे बैठे रहो, जाओ मत ऊपर, पर क्या करें आपको कुछ दिखाना है तो जाना तो पड़ेगा। चलो चलते हैं फिर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं।
से व्यू देख लीजिए कितना खूबसूरत व्यू है। चलिए अब सीधे नैनीताल। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और हमें रास्ता मिल चुका है और बाकी सबको रोक रहे थे और मिल गई हमें एंट्री यहाँ पे। हाई कोर्ट मुझे थोड़ा सा काम था उसका मैंने जैसे ही बताया काम का काम और अपना काम निकल चुका है बाकी देखी जाएगी जो है ना। बढ़िया चीज है ना पर किसी को जाने नहीं दे रहा है यहाँ पे वो तो हमारी किस्मत अच्छी है तो हमें जाने दिया उन्होंने यहाँ पे। उन्हें नहीं किसी को नहीं यहाँ पे केवल उनको जाने दिया जा रहा है जिनके होटल में पार्किंग है और उनके होटल्स बुक हैं तो इस वजह से उनको जाने दिया जा रहा है। अगर आप पेड पार्किंग है और सॉरी आप पब्लिक पार्किंग का यूज करेंगे और आपका होटल भी बुक है तब भी आपको रोक लेंगे क्योंकि पार्किंग ही नहीं है ऊपर। या तो आप टैक्सी लेके अपने होटल चले जाएं तो वो आप जा सकते हैं यहां से आप टैक्सी लें और चले जाएं अपनी गाड़ी खड़ी करके। पर अगर आपके होटल में पार्किंग है और आपके पास रिजर्वेशन है तो आप जा सकते हैं और लोग भी जा रहे हैं। पर ना मेरे पास होटल था ना मेरे पास पार्किंग थी। शायद यहाँ पे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई होगी तभी ऐसा नज़ारा है। खैर वीडियो का मेन पार्ट अब आ चुका है। हम जा रहे हैं कालाडुंगी की साइड से तो सारे व्यू पॉइंट्स अब जो पड़ेंगे कालाडुंगी की साइड से नैनीताल की तरफ पड़ेंगे। और अगर आप नैनीताल से आ रहे हैं तो लास्ट वाला व्यू पॉइंट है वो सबसे पहले पड़ेगा और जो हमारा सबसे पहला व्यू पॉइंट है लास्ट में पड़ेगा। पर रोड वही रहेगी नैनीताल से कालाडुंगी से साइड वाली। ये आ गए हैं हम नैनीताल का व्यू पॉइंट वाटरफॉल। कोई घर में थोड़ी बैठी हुई है देखिए दिस इज द वाटरफॉल व्यू पॉइंट। ये नैनीताल का एक व्यू पॉइंट है जहाँ तक आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं। चलिए ऊपर पहुँच के आपको दिखाते हैं कि कैसे नज़ारे हैं। ये रही अनुष्का। तो यहाँ पे एक एक्सीडेंटेड बस है 8 साल से यहीं पर ही है ये बस। 8 साल पहले बैठा तब भी यहीं मिली थी आज भी यहीं मिली है। ये इसी चीज़ें ध्यान दिलाती हैं कि पहाड़ जितने ब्यूटीफुल है उतने डेंजरस है। ड्राइव सेफ्टी ऊपर जाना है कि चलते हैं। ये है एक्चुअल में वाटरफॉल। ये वाटरफॉल जो आप व्यू पॉइंट है तो लास्ट पॉइंट है वाटरफॉल का सबसे हाईएस्ट। यहाँ पे आप खड़े होकर थोड़ा सा अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटी थोड़ा मस्ती मजाक कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल है। कोई फोटो खिंचाना भी संघर्ष है तो मैं ब्लॉग बनाना थोड़ा तो मुश्किल है। बहुत भीड़ है एक्चुअली बहुत ही अच्छा व्यू है थोड़ी भीड़ ज़्यादा है पर भी अच्छा। तो अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा और आपको जगह लेके चलते हैं। सो सेकेंड लोकेशन सरिता ताल आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए एक्चुअल फुटेज अब आते हैं इन 3, 2, 1। नैनीताल का व्यू पॉइंट है और छोटी सी झील टाइप की है। यहाँ पे थोड़ी से फन स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते हैं और एक तो आपको टैक्सी वाले बोलते हैं 10 से 11 व्यूज़ में एक व्यू ये भी है। अभी पीछे आपको वाटरफॉल दिखाया है अब ये है। आगे जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे आपको थोड़े बहुत व्यूज़ और दिखाते चले जाएंगे। तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आपके लिए ये इधर का अनुष्का इधर के रील्स लेते हुए और बहुत ही प्यारा व्यू है देखिए माउंटेन का। ये देखिएगा बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है माउंटेन का। दिख रहा है छोटा सा है पर बहुत ही बड़ा है। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करने का देखिए मजा ही यहाँ पे कुछ अलग है। देखिए बच्चे कैसे इसमें बैलून के अंदर पूरा खेल रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करती पसंद है और ये देखिए रोप भी है साथ में कि आप इस छोटी सी लेक के ऊपर रोपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। हम लोगों को पानी से डर लगता है इसलिए हम लोग ये काम नहीं करेंगे ताकि हम देखेंगे अच्छे से एब्जॉर्बेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे ये काम नहीं करेंगे। सरिता ताल लेक व्यू के बाद अब हम नेक्स्ट मिलते हैं आपके अगले व्यू पॉइंट पे। ठीक है नेक्स्ट मिलते हैं अगले व्यू पॉइंट पे।
थकान ज्यादा हो रही है, जवान भी थक रही है थोड़ी सी। एक्चुअली मैं सुबह से थोड़ा हेक्टिक हो गया, इधर भागो उधर भागो, जाना होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं चल रहा था, फिर अचानक बन गया जैसे तैसे जुगाड़। अब हम भी जो बाद में कंफ्यूज हो रही है, थोड़ा थोड़ा माफ कर देंगे। 100 में से हम 50% श्योर थे कि हम लोग यहाँ पे आ पाएंगे, बट अब हम आ गए। 50 नहीं, मैं एक के सम से, मुझे रास्ते में थोड़ा सा ध्यान आया था काम का, मुझे ऐसा लगता है 80% है वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा। हिमालयन बोटेनिकल गार्डन, ये तीसरा व्यू पॉइंट है जो हम आपको दिखा रही हैं। इसका रास्ता ऊपर से जाता है, ये जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई यहाँ से रास्ता जाता है इसका। और इसकी खास बात ये है, थोड़ा सा मैं गाड़ी साइड में चला, नहीं से आ रहे हैं चाचा। तो यहाँ पे मैं एक चीज की खास बात बता देता हूँ, अगर आपको चलते चलते बताते हैं, हम बोटेनिकल गार्डन इसलिए वजह से नहीं जा रहे क्योंकि ऊपर वहाँ पे दिखाना कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट है, पेड़ पौधों में इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। अलग अलग ब्रीड के, अलग अलग स्पीसीज के वहाँ पे आपको फ्लावर्स और फ्रूट्स एंड अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, गार्डनिंग में इंटरेस्ट है आपका और इन सब चीज़ों में है, प्लांट्स में है, ज़्यादा जा सकते हैं यहाँ पे, कोई भी जा सकता है। वैसे चढ़ाई भी है, ऐसा नहीं है कि चढ़ाई नहीं है, पर अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है बॉटनिकल गार्डन। पहले जगह दो तो चचा को बहुत जल्दी आ रही है, चचा दिल्ली से है ना, चचा को जल्दी आ रही है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर जाइएगा। अगले व्यू पॉइंट पर हम आ गए हैं, नहीं आए व्यू पॉइंट पे हम आ गए हैं। तो अब आपको दिखाते हैं ये व्यू पॉइंट है, हमसे चलाते हैं इसे। तो आपको थोड़ा सा थोड़ी ट्रेल ऐसी है कि आपको संभाल के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लाउड्स की वजह से ये जगह थोड़ी सी मॉइस्ट लग रही होगी, फॉगी सी लग रही होगी, पर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है यहाँ का। अच्छा लगा यहाँ पे, ब्रीज बहुत अच्छी है, हवा अच्छी चलती है, थोड़ा फ्रेशनेस का माहौल सा बना हुआ है, अच्छा लगता है। जो थकान है ना ऐसी हवा में आते हैं, थकान थोड़ी सी दूर हो जाती है। अब ये ट्रेल ऊपर जा रही है पूरी ऐसी, अब इस ट्रेल पे चढ़ना होगा। थोड़ी सी रॉकी है तो आपको संभाल के चलना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ ऊपर तक चलता हूँ और फिर मिलता हूँ गाड़ी में। आप लेने, भाई सब लेने गए हैं सोडा और खड़े हुए हैं, सोडा पियेंगे क्योंकि हमने बस मैगी मैगी खाई है। देखिए जरा स्माइल देखिए इनकी, पता नहीं किसे देख के इतना मुस्कुराया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा उधर कोई है क्या। ओ क्यूटी, कितनी प्यारी है वो छुटकू, शायद आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा डॉग। हम लोग डॉग लवर हैं तो हम लोग को कहीं भी कोई भी कुत्ता दिख जाए बस हमें प्यार ही आता है उस पर, और कुछ नहीं। देखते हैं
लाल दिख तो रहा नहीं है हमें, वो चुटकू गया है, बन गया है सोडा, लेके आ रहे हैं धीमे 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 धीमे, गिर नहीं जाए। क्यों, क्या हुआ? जरा सा तुम्हें घुमा दो तुम्हें। नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे आ गए हैं हम। ठंड भी है, हवा बहुत तेज चल रही है, एक्चुअली में बहुत तेज हवा है। चलते हैं, चलो अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट। दिस इज कॉल्ड लेक व्यू पॉइंट। लेक व्यू पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आपको लेक का पूरा व्यू मिलता है। मिस्ट है यहाँ पे, अगर आपको ये देखिए यहाँ पे जाम देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये जाम लग रहा है नीचे तक का, ये पूरा जैम है। तो अगर आपको थोड़ा यहाँ पे धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसमें मेरी या कैमरा के फॉल्ट नहीं है, इस जगह पे मिस्ट है, थोड़ा क्लाउड है, यहाँ पे क्लाउडी एरिया है तो धुंध इसी वजह से हो रही है। अगर आप आगे का देखेंगे तो आगे आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर भी हर जगह मिस्ट है। तो चलिए फिर इस व्यू पॉइंट पे लेते हैं बाइक, अब नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे मिलते हैं, बाय। ये है हॉर्स पॉइंट, इधर यहाँ पे सारे घोड़े खड़े हैं। इधर से आप इधर चले जाएंगे, इधर से इधर आप जाएंगे तो यहाँ पे टिफिन टॉप पॉइंट है, ऊपर है कहीं, वहाँ तक घोड़े आपको लेके जाते हैं। और ये रहा लवर पॉइंट, यहाँ का रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, किसी को चश्मे चाहिए तो वो ले सकता है मेरे। और यहाँ पे हवा भी बहुत तेज चल रही है, ठंड भी लग रही है। और ये आंटियाँ यहाँ पे बना रही हैं स्वेटर और ग्लव्स। काफी भीड़ है यहाँ पे, चलो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे चलना मुश्किल है, थोड़ा 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 है तो सही। तो ये है लवर्स पॉइंट, एक्चुअली में इसे सुसाइड पॉइंट भी बोलते थे पहले। यहाँ पे चढ़ेंगे कूदेंगे तो नीचे देखेंगे, मिलेंगे ही नहीं। अच्छा व्यू पॉइंट है, सामने नज़ारे भी हैं। कोई मिस्ट है यहाँ पे थोड़ी सी, तो धुंधला धुंधला आपको दिख रहा होगा, पर ये केवल क्लाउड्स हैं जिस वजह से सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। लवर्स पॉइंट है ये, कई लोग यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, मत खिंचवाइएगा कभी भी, किस्मत का कुछ भरोसा नहीं है, उसके किस्मत ने आपके लिए क्या लिखा। लवर्स पॉइंट पे लवर बंदा, लवर्स पॉइंट पे सुसाइड भी हो सकती है, वो भी आपके लवर के साथ। कितना अच्छा है ना फिर। अरे उन्हें जिंदगी साथ जीने साथ चलने के लिए चले थे या साथ मरने के लिए चले थे, वही होता है। चलें चलिए फिर, इस पॉइंट को अलविदा कहते हैं। जगह आपको मैंने दिखाई दी है, कैसे आप खुद इस पॉइंट पे आ सकते हैं बिना किसी टूर या टूरिस्ट गाइड के। सो ध्यान रखिएगा, खुद एक्सप्लोर करें, ज़्यादा मज़ा आता। सो सुसाइड पॉइंट हम लोगों ने देखे, बाल देखे कैसे हो गए हैं हवा में, इतने अच्छे बाल हो गए हमारे। तो सुसाइड पॉइंट हमने देख लिया है, अब यहाँ से अपने बैक टू जर्नी। ये इवेंट हमारी अनुष्का, जो बिल्कुल भी वेंडरिंग अनुष्का नहीं है, नहीं थक गई है यार, मैं थकी थक नहीं हूँ, बस थोड़ा है ऐसा हो जाता है। मैंने कभी कहा था कभी ना ये काम ना करिए। अच्छा चिन्ह पर ये कर क्या रहे हैं आप, रिस्की है ये चीज बहुत रिस्की है, ये काम ना क्योंकि इससे नीचे, इस पॉइंट के नीचे बस आप गए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लोकेशन पर। तो अब हम जा रहे हैं केव बोरा, केव का गेट, और हमें थोड़ी ठंड लग चुकी है तो हमने थोड़ा अपर पहन लिया है। ऊपर बहुत ज़्यादा रश है इस बार नैनीताल में, इतना रश मैंने पहली बार ही देखा है। तो चलिए टिकट्स लेते हैं और केव के अंदर मिलते हैं आपसे। अडल्ट का 100 रुपये है और चाइल्ड का 60 रुपये, बस ज़्यादा महंगा नहीं है, बट अंदर अच्छा है, चलो देखते हैं।
एंट्रेंस है इसकी और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो थोड़ा संभल के चलिएगा। चल रहे हैं। हाँ वो बोलता भी है, देखो वो इंतज़ार कर रहा है सबका। ये रहो, ये रहे, ये सबका इंतज़ार करते हैं। मैं यहाँ पे चेक करवाइएगा फिर आगे बढ़िएगा। ये देखिए बुल राइड किसी को करनी है तो कर सकता है, तो मैं करनी है बुल राइड बोलूँ। ये यहाँ पे टाइगर और पैंथर है, इस साइड में टाइगर केव है, इसके अंदर आप आवाज़ तो सुन ही सकते हैं। आवाज़ आ रही है, टाइगर नहीं मिलेगा अंदर, पर आवाज़ें सारी मिलेंगी, फील सब मिलेगा। देखो यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ पे बैठा है टाइगर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम से चलने की संभावना है। बहुत सर बचा के चलना पड़ता है यहाँ पे, बहुत आराम से। स्टीप हैं थोड़ी सीढ़ियाँ, अगर आप थोड़े से क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो मत आइए। यहाँ पे ठंड भी है, थोड़ा अंधेरा भी है, और हम एक दूसरे को कैमरा पकड़ाते रहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर सर जरा सा लगा तो वो बचता नहीं है। अरे अटक गई, ये देखिए अटक गई, अटक आ गई, आ गई ऊपर का भी। और ये केव है, एक केव रॉबर्ट्स केव आपको देहरादून में दिखाई थी, ये केव गार्डन है। ये देखिए अनुष्का झरिया आगे, और ये रास्ता बाहर निकलने का है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये बाहर निकलने का रास्ता है, तो फिर आप बाहर निकल के आपको अगले केव में लेके चलते हैं। बाय, तो बाय करिए, जा रही है वो, बस ये बाहर निकलने का रास्ता। ये है नेक्स्ट पैंथर केव, ये रही, नीचे जाना है, अभी थोड़ा वेट करना है। अनुष्का के पास जैकेट ही दिखती है यहाँ पे, हमें तो ऊपर जाना है, हमें तो ऊपर जाना है पैंथर्स के बाहर, और ये बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। ये देखो कितना मुश्किल है, बैठ बैठ के निकलना पड़ता है यहाँ पे। ओ शूम, बहुत मुश्किल है भैया यहाँ पे, देखो कितना आगे तक है और बिल्कुल आ ही नहीं सकता इंसान, तो बहुत ही मुश्किल है ये। और इसके जो ये कोनों की नोक है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ है, सर भी बचा के चलना पड़ता है यहाँ पे अपने। और अगर गलती से, ये देखो बिल्कुल चिकने हो रहे पत्थर भी, और ये किसी के सर में लगे नहीं, और देखिए बहुत है तो मुश्किल ही। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए आप पीछे से हम देखते हैं कि अनुष्का आ रही है, ये मैडम येरी फंस गई हैं चट्टानों के बीच में, थोड़ी मुटियाएं गई हैं तो फंस गई हैं, देखिए ये आ रही हैं छोटे छोटे से। चलिए आप आगे चलें। अरे बहुत, ये देखिए दादा तो इस केव के भी बाहर ही निकल ही गए, ठीक है, वालों का काम है। जी हाँ, ये निकल गए बाहर। सो अब नेक्स्ट केव पे चलते हैं। नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट केव में मिलते हैं। आराम। नेक्स्ट है पॉर्कुपाइन केव, और ये रास्ता इसका स्टीप है। हर एक एनिमल के यहाँ पे साउंड को स्टिमुलेट किया गया है। यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, उसको दिखाइए आराम से। यहाँ से मुश्किल है, यहाँ पे छोटे छोटे पंछियों की आवाज़ है। यहाँ पे अगर हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, कमर बचाना पड़ेगा यहाँ पे। और फोन भी, फोन भी, तो पानी बचा। चलिए अब थोड़ा सा बच्चों की तरह चलते हैं, घटन में घटन में यार, लग गई। अरे ये देखिए एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, देखिए टाइगर्स केव उधर थी, मिला यहाँ पे। कहाँ घूम रहा है भाई ये? एक एल्पोपाइन केव है, ये पॉन्कुपाइन केव है भाई, कहाँ घूम रहा है? बिल्कुल कुछ सही में आ गया ना, सब ऊंची ऊंची कर देगा। चलिए ये एग्जिट हो गई है। ये है फ्लाइंग फॉक्स केव, नेक्स्ट केव यहाँ पे। ये अंदर अंदर रास्ता देख रहे हैं, ये बस यहीं तक रास्ता है,
यहाँ से जाते हैं स्टेयर से अंदर और यहीं से आप, ये डेड एंड है, यहीं से आपको वापस आ जाना है। और अब ये नेक्स्ट केव की तरफ। हाँ आ जाइए, चलिए, चलिए चले जाऊंगे। ये आवाज सुन सकते हैं आप इसकी, इतने अच्छे से। मंकी केव, ये मंकी केव है। ये केव भी ऐसे ही है, सीधे यहाँ से जाएंगे डेड एंड और वापस। उसकी चोट लग गई मंकी का, थोड़ा सा परेशानी है उसको, बेचारा दुखी हो गया है बहुत ज्यादा, थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे मंकी को होते हुए। मंकी यार थोड़ा चहक नहीं रहा है, एक दिन बहुत चहक रहा था। यहाँ पे जाया जा रहा है मंकी के में, बहुत बहुत तेज चोट लग गई मंकी के हमारे, वो बेचारा। ज़्यादा कुछ नहीं है, एंड हो जाता है थोड़ी दूर जाके ही। आओ, कोई फैंसी जूते पहन के ना आए प्लीज़, जो फैंसी जूते पहन के आएगा बस समझो वो लड़ गया, क्योंकि यहाँ पे कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज ज़्यादा बेटर रहते हैं। लीजिए, तो जहाँ पे लाइट जलती है वहाँ पे एंड हो रखा है ये केव का, तो हमें इधर से हमें वापस ही आना पड़ेगा। चलिए वापस ऊपर, कुछ ज़्यादा ही घूम लिए। हमारी हालत थोड़ी खस्ता हो चुकी है, पर यार आज मंकी ने मजा नहीं करा, वरना पिछली बार जब हम आए थे ना मजा कर दिया था उसने, बंदर ने। मंकी की आवाज़ नहीं, इसका मतलब ये आवाज़ से खुश हो जाती है। अरे इतना मजा कि बस पूछो मत। सो इस बार मजा नहीं आया हमें बंदरों के साथ। ये नैनीताल ट्रिप सो रही, पर अच्छा इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि आप लोगों को अपने साथ घुमा पा रहा हूँ। कोशिश करी है, अभी चैनल छोटा ही है, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो इसे ग्रो करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक भी करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है हमें थोड़ा सा कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सके, तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी फैमिली थोड़ी सी और बड़ी होगी, मैं और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा कि हम दोनों और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट होंगे और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करने से अच्छा लगता है, नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बनाने का मन होता है कि लोगों को पता लगता है कि लाइक, अगर नहीं अच्छी लग रही तो कमेंट जरूर करिएगा, और बेस्ट बात भी बताइएगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आपको। कमेंट जरूर करिएगा कि हम ये चीज़ ना करें, ये चीज़ करें, इससे अच्छा लगता है आपको, तो हमें आप लोगों का रिस्पॉन्स जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो चलिए अब ये केव यहाँ पर खत्म होती है, अब देखते हैं, केव तो खत्म हो गई है, अगर कुछ मिलेगा इस केव गार्डन में, इको पार्क, केव इको पार्क एक किस्म से, तो हम आपको दिखाएंगे, वरना सीधे मिलेंगे गाड़ी में। ठीक है, बाय। फिर से वही ड्रामा, पार्किंग नो पार्किंग मिली या पार्किंग। मतलब कह रहे हैं कि फिलहाल मेन पार्किंग में हमें पार्किंग मिली नहीं है, तो अब सेकंड पार्किंग में जा रहे हैं कि, और फिर सुनने को ये मिलता है कि आप जाइए और फिर से घूम के आइए, शायद आपको पार्किंग मिल जाए, मतलब यही चलता रहता है ना यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियां निकलती हैं। ऐसे पार्किंग पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत दूर है यार, थक भी चुके हैं। मिली नहीं यहाँ पे भी कोई पार्किंग नहीं, पूरी पार्किंग फुल है, वो तो मिल गई बस एक गाड़ी खड़े होने के लिए। यहाँ पे हमें पार्किंग तो मिल गई है, संकेत लगा के थोड़ी देर, आधा घंटा आराम कर। अब नैनीताल से निकलेंगे 8 बजे, जब मॉल रोड 8 बजे खुल जाएगी। देख, सीट करो पीछे, आँख करो बंद और सो जाओ। कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर में जाएंगे मार्केट के अंदर, तो थोड़ा पसंद की चीजें खाएंगे, मोमो। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मैंने ये व्यू पॉइंट इसलिए सिलेक्ट करे क्योंकि ये एक ही रास्ते पर पड़ते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जाने में। अगर आप पहाड़ों पर ड्राइव कर सकते हैं तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं बहुत आसानी से। आगे की वीडियो हम पार्ट 4 में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम इस नैनीताल जर्नी को करेंगे एंड। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करें इस वीडियो के बारे में कि आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, और शेयर करें अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो। हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।